आप लोग को ये रूबिक्स क्यूब सोल्व करना सीखना है, सीखना है आप लोगों को, तो ये वीडियो आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। आप लोगों को ये रूबिक्स क्यूब सोल्व करना सीखना है तो इस वीडियो में आप लोग को रुकना है, वरना आपको यहाँ से चले जाना है, ठीक है। ये वीडियो इन्हीं के लिए है, ठीक है। आज मैं वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जो ये रूबिक्स क्यूब सीखना चाहते हैं, ठीक है। बच्चे हो या कोई भी हो जो इस रूबिक्स क्यूब को सोल्व करना सीखना चाहता है ऐसे, ठीक है, तो उन्हीं के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज की वीडियो, ठीक है। देखिए पहले उसकी, देखिए कोई भी चीज़ हम, देखिए जो कोई भी चीज़ हम करते हैं पहले, ठीक है, उसका हमें बेसिक ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। क्या होता है, जो बेसिक ज्ञान हमारा होता है उसके बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। उसका पहले हम बेसिक ज्ञान के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करें, देखिए बेसिक ज्ञान के बारे में, ठीक है। ये देखिए भी सॉल्व है, ठीक है, तो मैं इसका आपको लोग बेसिक ज्ञान बता देता हूँ कि आप लोग को बड़ी आसानी होगी इसको सोल्व करने में, क्या होगी, बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो इसका पहले बेसिक ज्ञान देख लेते हैं, बेसिक ज्ञान क्या होता है इसका। देखिए ये जो हमारे होते हैं, ठीक है, ये जो कोने में होते हैं ना, ये इनको कॉर्नर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, इनको कॉर्नर कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, कॉर्नर कहते हैं, ठीक है। ये जो होती है एज पीसेस होती हैं, ये क्या होती है, एज पीसेस होती हैं, ये जो होती है हमारी, ठीक है, ये वाली हमारी एज पीसेस होती हैं, ठीक है, एज पीस, ठीक है। ये खाली एक डॉट होता है, ठीक है, ये डॉट होता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया, कॉर्नर एज पीस डॉट, कॉर्नर एज पीस डॉट, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। देखिए इसका, देखिए बेसिक ज्ञान तो बहुत आवश्यक था, तो मैंने बता दिया, इसको कॉर्नर बोलते हैं, इसको एज पीस बोलते हैं, इसको डॉट बोलते हैं, ठीक है। एक बात और समझ ली लीजिए, ठीक है, इसको आपको लोगों को सॉल्व करना, ठीक है। ये जो हमारा रेड कलर होता है, ठीक है, लाल कलर होता है, इसके अपोजिट, इसके पीछे हमेशा ही ऑरेंज कलर होगा, ठीक है। ये आपको याद करना होगा, अगर ये आपको याद हो जाएगा तो रूबिक्स क्यूब आप इस क्यूब को सोल्व करना बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है। आपको अगर ये आ रहा होगा, देखिए जो हमारा होता है लाल कलर, इसके पीछे होता है ऑरेंज कलर, रेड के पीछे हमेशा ऑरेंज होगा, ठीक है। ब्लू के अपोजिट हमेशा ग्रीन होगा और वाइट के अपोजिट हमेशा येलो होगा, ठीक है, इतना होगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए सोल्व करना, इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, इसको इसको कैसे सोल्व करते हैं तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको देखिए लेयर बाई लेयर सोल्व करते हैं, ये पहली लेयर है, ठीक है, ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, ये पहली लेयर है, ये पहली लेयर है, ठीक है, ये हमारी सेकेंड लेयर है, ये जो बीच वाली है ना हमारी, ये हमारी सेकेंड लेयर है, ठीक है, ये हमारी सेकेंड लेयर है, और ये हमारी थर्ड लेयर, ये भाई थर्ड लेयर है, ठीक है। ये तीन लेयरों में विभाजित होता है, ठीक है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है। इसको हम लेयर बाय लेयर सोल्व करते हैं, ठीक है, मतलब परत बाई परत इसको सोल्व करते हैं, पहले ऊपर की, फिर बीच की, फिर सबसे लास्ट में ये थर्ड वाली लेयर को सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करना बहुत ही ईजी है, ठीक है, ईजी रही है, बाकी जो जो नहीं कर पाते इसको वो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसको लेयर बाय लेयर सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूरा इस पर रूबिक्स क्यूब आपको सोल्व करना सिखाऊँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसको मैं पार्टों में विभाजित करूँगा, ठीक है। ये वीडियो आपको पार्ट वन होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी सेकेंड लेयर के वो पार्ट टू होगा, जो थर्ड वीडियो आएगी वो पार्ट थ्री होगा, ठीक है। उसमें हम थर्ड लेयर को सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए चाहे इधर से सोल्व करिए चाहे इधर से सोल्व करिए, बात एक ही होती है, ठीक है। इसको हम थोड़ा बिगाड़ लेते हैं, ठीक है, इसको सोल्व करने के, इसको हम बिगाड़ लेते हैं, ठीक है, फिर इसको हम सोल्व करना सिखाते हैं। चलिए देखिए ये हमारा, देखिए कॉर्नर पूरा बिगड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। इसे क्यों मेरे पास काफ़ी सारा है, ठीक है, मैं इसे ही सोल्व करता हूँ आप लोग को, बड़ा आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सबसे आसान तरीका, इसे आपने किसी ने यूट्यूब पर बताया नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके साथ मैं इसको सोल्व करना आप लोगों को सिखाऊंगा। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसके इसमें भी इसको मैं फर्स्ट लेयर बताऊंगा, फिर सेकंड लेयर में, थर्ड पार्ट में बताऊंगा, सेकंड पार्ट में, फिर थर्ड पार्ट में ये थर्ड लेयर सोल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेनी है, ठीक है, इससे मैं रिलेटेड वीडियो की वीडियो मतलब बनाता हूँ तो आपके पास पहले आएगी, ठीक है। और ये हमेशा देखिए ये जो चैनल हमारा है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर एग्जाम A1, ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर के बच्चे जो होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट इंटर टेंथ के बच्चे हैं, ठीक है, उनको मैं एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी आपका बच्चा है तो उसे इस चैनल के बारे में बताइएगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होता है इसी में क्लियर होते हैं, ठीक है, बोर्ड परीक्षा हो चाहे कंपिटेटिव एग्जाम हो, ठीक है, कंपटीशन के एग्जाम हो, ठीक है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड उनके बारे में, सभी के बारे में बताता हूँ। तो आप लोग के अगर कोई रिश्तेदार भाई बहन थे उनके पास ये चैनल प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ठीक है, तो उनको भी काफ़ी सहायता मिलेगी आपकी जैसी, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप इधर से भी पकड़ सकते हैं, इधर से भी पकड़ सकते हैं, इधर से भी आप पकड़ के इसको सोल्व कर सकते हैं, बाकी आपको इधर से करना तो एक ही साइड में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम वाइट से सोल्व करते हैं, ठीक है, वाइट से सोल्व करते हैं। देखिए ये हमें डॉट तो मिलेगा ही, ठीक है, इसके अपोजिट हमेशा ये होगा येलो कलर, मैंने भी बताया था, ठीक है, पहले ही बताया था। तो देखिए इसको हमें पहले यहाँ पर बनाना था प्लस, ठीक है, बहुत ही आसानी से समझिएगा, ठीक है, अगर समझ गए तो बहुत ही आप इसको वहाँ पे
परफेक्ट तरीके से 3-4 दिन में, तब तक मैं पूरा सिखाऊंगा, तब तक आप सीख जाएंगे, ठीक है। 7 दिनों में आप क्लियर पूरी तरह से सीख सीख जाएंगे, पर आपको मेहनत करनी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको सीखने के लिए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सीखा, पहले इसमें बनेगा प्लस बनेगा, ठीक है, प्लस बनाना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो प्लस बनाने के लिए मैं क्या कहना होता है, देखिए जो हमने बताया, जो HP सामान मैच होने चाहिए, ठीक है, HP सामान मैच होने चाहिए, HP सामान मैच होने चाहिए, ठीक है, तभी हमारा प्लस सही से बनेगा। अगर HP से नहीं मैच है तो आपका वो प्लस नहीं बनेगा सही से, ठीक है। जो भी बाकी जो 30 सेकंड में सॉल्व करते हैं उसके लिए कुछ नहीं होता, उसके लिए मैं बाद में आपको बताऊँगा, ठीक है। इसमें कैसे HP साहब के मैच होने चाहिए, ठीक है, HP साहब के मैच होने चाहिए, देखते हैं इसको सॉल्व करने का। अब देखिए HP कैल्सियस में मिलाने हैं, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। इसको क्या होता है, देखिए पहले जो हमारा ये होता है, ये वाला जो बीच वाला हमें क्या पड़ता है, ये HP, ठीक है, इसको हमें खींच के यहाँ लाना पड़ता है इसके अपोजिट, ठीक है, ये हमारा आ गया बीच वाला। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा है लाल कलर है, तो देखिए लाल में मिलाएंगे, देखिए ऐसे घुमाएंगे, ये हमारा हो गया लाल में, लाल देखिए HP हमारे मिल गए, और इसको हम ऊपर कर देंगे, ऊपर हमने किया, देखिए हमारे HP मिल गए, और हमारा एक प्लस प्लस का पहला हिस्सा हमारा तैयार हो गया बनके। अब इसको भी हम नीचे की ओर लाएंगे, ठीक है, इसको फिर हम ऐसे देखेंगे कहाँ पे ये हरा, देखिए HP हमारा मिल गया, देखिए HP हमारा मिल गया। अब इसको हम जाके ऐसे घुमा के फिर ऊपर कर देंगे, देखिए हमारे दो तैयार हो गए। अब देखिए सेकंड वाला ये ऐसे देखिए पोजीशन सभी आपको मिलेगी, इसको अब देखिए यहाँ से ऐसे लाएंगे, यहाँ पे लाए इसको नीचे किया हमने, ठीक है। अब ये देखिए हमारे देखिए HP से मिल रही है, ये देखिए मिल रही है हमारे HP से, ठीक है, देखिए मिल रही है, ठीक है, इसको तो मिल रही है, तो इसको हम फिर ऊपर करेंगे, ऊपर कर देंगे आसानी से, ठीक है। कभी कभी आप लोगों को ऐसी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, इसको ऊपर कर देंगे। अब देखिए कभी कभी आपको ये इधर इस साइड में दिखाई देती है, घबरा नहीं, इसको हम नीचे करेंगे, ठीक है। देखिए आगे हमारा ये देखिए इस पर HP से पहले से ही मिल रही है, ठीक है, इस पर HP से देखिए पहले से ही मिल रही है, तो इसको हम ऊपर कर देंगे, HP से ऊपर कर देंगे, ठीक है। देखिए जो हमारा देखिए प्लस बन के तैयार हो चुका है, जो हमारा पहला है, पहले ही मेरी सिचुएशन प्लस बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। देखिए प्लस बन के तैयार हो चुका है, देखिए हमारा जो प्लस बना था प्लस बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब देखिए बारी आ रही कॉर्नर के अरेंज करने की, क्या आ रही है बारी, जो हमारे कॉर्नर है इनको कैसे अरेंज करेंगे, ठीक, कॉर्नर को कैसे अरेंज करेंगे। तो इनको देखिए सेट करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको प्लस बनाना समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं आया आपको अभी भी कोई समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इससे भी आसान तरीके में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी मैं आपको हर तरीके से मदद कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को बस क्या करना है, ठीक है, आपको कमेंट करना है, अच्छा से प्यार से कमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए कॉर्नर, देखिए हमारे HP से देखिए मैच हो गए, ये हमारे HP से मैच हो गए, देखिए मैच हो गए हमारे HP से सारे, देखिए HP से हमारे मैच हो गए। अब क्या करना है, हमें खाली कॉर्नर अरेंज करना है, ठीक है, कॉर्नर ये कॉर्नर अरेंज करना है। तो इनको अरेंज करने के लिए देखेंगे हमारा जो व्हाइट कलर है वो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे इसकी जगह पे हमारा व्हाइट कलर होना चाहिए, यहाँ पे भी व्हाइट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी व्हाइट, यहाँ पे व्हाइट होना चाहिए, यहाँ पे व्हाइट होना चाहिए, तो इससे हमारा जल्दी से अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए इसको व्हाइट लाने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको सिंपली से चलाएंगे, देखिए बिगड़ गया कोई बात, इसको एक बार इसे देखिए राउंड घुमाएंगे, इसको देखिए राउंड घुमाएंगे, ठीक है, घुमाने के बाद इसको फिर ऊपर करेंगे, हम इसको ऊपर करेंगे, देखेंगे ये हमारा आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको अब देखें करें, इसको नीचे करेंगे, इसको अराउंड करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, ठीक है, ये हमारा देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है, ये हमारा देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो इसको देखिए सोल्व करने का बहुत आसान तरीका, देखिए इसको क्या करेंगे, इसको बार दो बार घुमा देंगे, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ये हमारा यहाँ पे आ गया, इसको हमें देखिए ये यहाँ पे आ गया था, इसको हमने ऐसे ले आए, इसको फिर हमने ऊपर कर दिया, प्लस हमारा देखिए बना रह गया, ठीक है, प्लस हमारा बना रह गया, देखिए प्लस हमारा बना रह गया, ठीक है। और हमारे ये देखिए यहाँ पे आ गए, देखिए यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए। आप लोगों अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो आप वीडियो को देखिए पीछे बैक करके आप भी देख सकते हैं, वीडियो को बैक करके देखेगा, वीडियो को एक दो बार देखेंगे आप लोग, उसको आपको सिंपली तरीके से पूरी तरीके से इसको सोल्व करने आ जाएगा। अगर आप लोग वीडियो को एक दो बार देख देखें, ठीक है, पहली बार में समझ में किसी को नहीं आएगा, ठीक है, मैं भी सोल्व करता था, पहली बार मुझे समझ में नहीं आया था, अब जो कहो मुझे तुरंत ही पजल लाए, ठीक है, मतलब इसको पजल भी बोलते हैं, ठीक है, रूबिक्स क्यूब को पजल भी बोलते हैं, इसको तुरंत ही हम लेकर आए तुरंत ही सीख जाए तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसको सीखने में टाइम लगता है, ठीक है, ओके। अब देखिए ये यहाँ पे आ गया है, तो इसके देखिए अब ये देखिए रेड और ब्लू दिख रहा है, तो हमें इसके देखिए रेड के पास इसको लेकर आना है, लेकर आगे इसको देखिए एक बार और इसको अलाइन करना है, ठीक है, अलाइन को इसको नीचे करना है, ठीक है, इसको देखिए इसको इसी पे जाके इसे मिला दे रहा है, ठीक है, ये देखिए दोनों मिल गए, इसको सिंपली से ऊपर कर दे रहा है, ऊपर करेंगे तो देखिए हमारा देखिए कॉर्नर मैच हो गए, ठीक है, कॉर्नर हमारे मैच हो गए। अब क्या करना है, ठीक है, फिर एक ये देखिए और मिल रहा है, ठीक है, एक और सा ऑरेंज कलर है और है देखिए ऑरेंज है और क्या है ग्रीन है, ठीक है,
तो देखिए ऑरेंज हमारा है और ग्रीन भी है, तो इसको भी एक बार और इधर अलर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब इसको तो इसके पास में लाएंगे ही, ठीक है, इसको लगने के लिए एक बार और इसको इधर घुमाएंगे, ठीक है। घुमाने के बाद फिर इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए इसकी ऐसा था, इसको फिर नीचे की तरफ लेकर आएंगे, इसको इसमें भी लाएंगे, ला के फिर इसको हम ऊपर ही कर देंगे सब चीज़ें। देखिए ऊपर कर दिया हमने, ये देखिए आपका, देखिए ये भी पिलो मैच हो गया, ठीक है, मैच हो गया। अब देखिए क्या करना है, देखिए इसको, देखिए ये देखिए हमारा एक और मिल रहा है यहाँ पे, देखिए एक और मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए रेड है ग्रीन है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लाएंगे, देखिए यहाँ पे आना है, ये देखिए यहाँ पे आना, तो इसको यहाँ पे तो लेकर ही आएंगे। अब इसको हम सिंपली से फसा में एक और इधर राइट टर्न कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट टर्न कर देंगे, ठीक है। फिर इसको हम नीचे करेंगे, ठीक है, फिर इसको हम ला कर इसे मिला देंगे। देखिए हमारी ये पूरी लेयर हमारी सोल्व हो गई है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ से हमारी बन गई, ठीक है। अब सिंपल सी भाषा में एक बचा हुआ है, वो भी ये देखिए, कभी कभी आपको ये सिचुएशन होती है कि हमारा ये देखिए ये इसको ऊपर कैसे लाएँ, ठीक है, ये आपको मिलेगी, देखिए ये देखिए ऊपर है, इसको ऊपर यहाँ पे कैसे लाएँ, तो देखिए इसको इसको देखिए कहाँ पे इसको यहाँ पे आना है, ठीक है। तो इस देखिए इसको यहाँ पे आना है, तो इसको पहले हम यहीं पे लाएंगे, देखिए इसके नीचे ये आ गया, ठीक है, इसके यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, इसको यहाँ पे आना है, ठीक है। तो इसको हम देखिए एक बार थोड़ा ध्यान से गौर करके सब समझिएगा, ठीक है। इसको देखिए हम ऊपर के ऐसे घुमाएंगे, देखिए ऐसे घुमाएंगे, देखिए इसको हम दो बार घुमाएंगे, एक बार घुमाया, दो बार घुमाया, तीन बार घुमाया, तीन बार हमने घुमाने के बाद इसको देखिए ऐसे घुमा दिए, इसके पास आ गया ये, फिर इसको एक बार घुमाएंगे, इसको एक बार घुमाएंगे, फिर इसको ऊपर कर देंगे, ऊपर किया, देखिए हमने यहाँ यहाँ पे आ गया, आप ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, बस यहाँ बस हमें यहाँ यहाँ पे आ गया। इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लाएंगे, देखिए यहाँ यहाँ पे तो इसको आना है, तो इसको एक बार और राइट करेंगे, फिर इसको नीचे करेंगे, ये इसको यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे करेंगे, फिर इसको ऊपर कर देंगे। फाइनली हमारी ये पहली लेयर सोल हो गई, ठीक है। इसमें देखेंगे हमारे, देखिए एच पीसेस मिल रहे हैं हमारे, तो देखिए हमारे एच पीसेस तो देखिए ये मिल रहे हैं, ठीक है, एच पीसेस मिल रहे हैं, ठीक है सभी। देखिए आप लोगों को अगर इसको पहली लेयर आप सोल्व भी कर देते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे देखिए एच पीसेस नहीं मिल रहे हैं, तो आपने गलत किया है सोल्व, ठीक है। हमारे देखिए एच पीसेस आप लोगों के मिलने चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो को अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो आप वीडियो को एक बार और रिविजन करके देखिएगा, ठीक है। दो तीन बार आप वीडियो को देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे तो आप इसको आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए हमारे देखिए एच पीसेस सारे मिल रहे हैं, ठीक है। पहली लेयर हमारी देखिए सोल हो गई, ठीक है, कॉर्नर भी सभी अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। पहली लेयर हमें सोल होगी, अब बताओ तो इसी में वीडियो में सेकंड लेयर सोल करना, ठीक है। सेकंड लेयर बहुत ही आसान है, ये जो हमारी सेकंड लेयर है इसको सोल करना बहुत ही आसान है, ठीक है। बाकी इसको भी आपको थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें देखिए अभी हम कोई एल्गोरिथम कोई नहीं लगा रहे हैं, ना एल इनवर्स ना यू इनवर्स, ठीक है, वो अभी कुछ नहीं लगाएंगे। वो हम कहाँ लगाएंगे, अपनी सेकंड लेयर। तब देखिए लास्ट लेयर को हम सोल्व करेंगे, उसमें आपको कुछ वर्ड हैं उनको याद करना पड़ेगा, उससे आपकी सेकंड लेयर आसानी से हो जाएगी सोल्व, ठीक है। पहली लेयर जैसे मैंने सोल्व करा दिए, ठीक है, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो मैं आपकी ये दोनों लेयर ऐसे ही आसानी से सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कहना है, इसी में सिखाएं या नेक्स्ट में, ठीक है, इस वीडियो में रहते हैं, वीडियो लंबी हो जाएंगी, ठीक है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अगर आपको ये सब समझ में आ रही हो, ठीक है, तो इसको एक दो बार रिवीजन करके आप लोग एक दो बार देख सकते हैं, ठीक है, एक दो बार, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड लेयर के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है।